ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश जब इस मात लोक में हुआ उस वक्त सभी लोग दुखों और तकलीफों में फंसे हुए और हाकमों के जुल्मों का शिकार तथा धर्म के मुखियों के फोकट कर्मों में फंसे कुरला रहे थे, जिसको भाई गुरदास जी ने अपनी पहली वार की 30वीं पौड़ी में इस प्रकार अंकित किया है। कल आई कुत्ते मुही खाज हुआ मुर्दार गुसाई राजे पाप कमाव दे उल्टी वाड़ खेत को खाई परजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कुसत मुखों अलाई चेले साज वजाएं दे नचन गुरु बहुत बिद पाई सेवक बैठन करां विच गुर उठकर इंत नाड़े जाई काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई स्त्री पुरखा दाम हित भावे आए किथाऊं जाई वर्त्या पाप सबस जग माही। सो उस समय सूरज रूप गुरु जी का आगमन इस जगत में हुआ। सो गुरु साहिब जी ने लोगों के दुखों को दूर करने के लिए किसी दैवी शक्ति का उपदेश ना देकर आपस में ही सेवा प्यार तथा परमात्मा के हुक्म और भय में रहने का उपदेश अपने 10 जामों में 250 सालों में दिया और नाको बैरी नहीं बिगाना के संदेश को दृढ़ करवा दिया, जिसकी अनेकों ही मिसालें गुरु इतिहास में दर्ज है। सेवा का केंद्र कोई एक स्थान या धर्म नहीं बल्कि पूरे विश्व में रहने वाले हर प्राणी और प्रकृति के साथ संबंधित है। चार पदार्थ भिख फकीरां पावनी चार पदार्थ भिख फकीरां पावनी गुरसिख सेवक मावनी गुरसिखां गुरसिख सेवक मावनी वैसे तो इतिहास में सेवा के अनेकों ही प्रमाण मिलते हैं, पर सबसे महान सेवा का नमूना भाई कन्हैया जी का सामने आता है, जिनको जंग के मैदान में सिखों और मुसलमानों में कोई भेद नजर नहीं आया और उन्हें सभी में एक परमात्मा के दर्शन हुए, जिस करके उन्होंने वैरियों को भी अपनी मशक से पानी पिलाया। इस कौतक को देखकर सिखों ने गुरुजी के पास जा शिकायत की। सदगुरुजी ने आप जी को बुलाकर इस बाबत पूछा तो आप जी ने कहा कि मैं तो आप जी के हुक्म की ही पालना कर रहा हूँ। आप जी का ही हुक्म है कि परम पिता परमात्मा हम सभी में व्यापक है। यह सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और मलम और पट्टी दे के कहा, आगे से उनके जख्मों में भी ठंड बरताया करो। आज से 500 साल पहले ही इस महान सेवा की शुरुआत भाई कन्हैया जी द्वारा हो चुकी थी, जिसकी प्रेरणा द्वारा ही रेड क्रॉस नाम की संस्था का जन्म हुआ। भाई कन्हैया जी की ही प्रेरणा सदका बीर खालसा दल मेरठ ने गुरुद्वारा सत्संग सदर के सहयोग से एक बहुत ही महान कार्य श्री गुरु हरकृष्ण साहिब चैरिटेबल सोसाइटी का नींव रख कर शुरू किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास हरमीत सिंह, श्री गुरु हरकृष्ण साहब चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड वालों दास गुरु महाराज ने सेवा बख्शी है। यह सेवा गुरु महाराज की बख्शिश नाल 1961 विच माता पिता दे ते गुरु दे उपदेश दे मुताबिक मन विच आया कि लोगों की जरूरतमंदों की सेवा वास्ते गुरु ने 1969 विच सिख फैडरेशन के कैंप या होर संगतों के सहयोग नाल इस चीज़ को हलासेरी दे के
ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਬ ਜਾਏ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 1600 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਟੋ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਆਏ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਦਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਟੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਰੱਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹਨੀ ਜਿਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸੀ 1600 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਗਸਤ 1997 ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 5 ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰੋਂ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਇਹ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਥੇ ਤਥਾ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੋ 2 ਰੁਪਏ ਕੀ ਪਰਚੀ ਪਰ 2 ਦਿਨੋਂ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਤੀ ਥੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਹੀ ਖੁਲਤੀ ਥੀ ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਆ ਕਰ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਨਵਰੀ 1998 ਮੈਂ ਕੁਛ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਔਰ 8 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਮਹਾਵਾਕ ਮੇਰਾ ਮੁਜਮੈ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ 613 ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦੇਣੇ ਲਗੇ ਅਬ ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰੋਂ ਡਾਕਟਰੋਂ ਤਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਮ ਚਲਾਊ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕੋ ਔਰ ਬੜੀਆ ਢੰਗ ਤਥਾ ਨਈ ਸੁਵਿਧਾਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਾਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਨੀਂਵ 1998 ਕੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਜਾਏ 5 ਪਿਆਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਤ ਕੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਮੇ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਤਥਾ ਏਕਤਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕੋਂ ਕੋ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਕੋ 4 ਭਾਗੋਂ ਮੈਂ ਬਾਂਟਾ ਗਿਆ
बीबी भाग कौर, भाई गनिया जी, बाबा फरीद जी, भगत रविदास जी, सभी संगतों की सेवा और सहयोग के साथ इस पवित्र कार्य की संपूर्णता 2 सालों में ही हो गई तथा सन 2000 की विसाखी वाले दिन 2 अखंड पाठों के भोग के साथ भाई जसबीर सिंह जी खन्ने वाले अतः संत गुरशरण सिंह जी निर्मले अम्बाले वालों ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जिसमें समूह मेरठ और साथ लगते इलाकों की संगत ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास दा नाम मनजीत सिंह कोछड़ है, वीर खालसा दल दे विच सेवा निभा रहे हाँ, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप दे विच। जिस तरह गुरु नानक देव जी का संदेश है, असी रोज़ गुरुद्वारे जपते हाँ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, उस सिद्धांता ते अज गुरु दा सिख गुरु का खालसा लगातार भाई धर्म सिंह जी की नगरी मेरठ दे विच भी असी लोग चल रहे हाँ। अपनी किरत कमाई चो दसवंद कढ़ के जिथे गुरुद्वारे दे विच गुरु के लंगर लग रहे ने, उत्थे ही सदर बाजार जिहड़ी गुरुद्वारा सत्संग सदर बाजार दे अधीन एक डिस्पेंसरी चल रही है, गुरु हरकृष्ण साहब चैरिटेबल डिस्पेंसरी, बड़ी ही सुंदरता दे नाल अज लगभग 7-8 साल तो उत्थे सेवा निभाई जा रही है। 25 डॉक्टर इत्थे विभिन्न रोगों के नित प्रति बैठते हैं और मरीजा की सेवा चल रही है। लगभग 7-8 लाख रुपए की दवाई इत्थे वितरित की जा रही है। बहुत संगता का अपार सहयोग मिल रहा है, बड़ी संगता की श्रद्धा गुरु हरकृष्ण साहब चैरिटेबल डिस्पेंसरी तो इत्थे मेरठ हैगी है। बड़े दूरों दूरों लोग इत्थे अपना इलाज कराने दे अरोगता प्राप्त करके जाते हैं, होरनां भी दसते हैं। तो बेनती असी करांगे मेरठ की संगत की तरफों भी अपना योगदान इस डिस्पेंसरी नूं दिओ, ताकि इसे तरीके नाल संगता की सेवा असी लोग इत्थे करते रहिए। होर एक उपराला जरूरतमंदां नूं इत्थे राशन देन दा भी चलाया जा रहा, जिन्हां दा कोई आसरा संसार दे विच नहीं है उहदा आसरा गुरु नानक दा घर अज भी मेरठ विखे सदर डिस्पेंसरी ते निभाया जा रहा है। इस तरह इत्थे असी नित प्रति दवाइयां वितरित करते हाँ, अलग अलग रोग दे डॉक्टर अलग अलग दिन निश्चित किए ने, बार उहदी लिस्ट लगाई है, उस दे विच असी लगातार इत्थे कैंप भी मेरठ सदर बाजार गुरुद्वारे दे विच लगातार आयोजित करते हाँ। हर साल खूनदान का कैंप, कैल्शियम का कैंप, अखा जांच का कैंप और विभिन्न रोगों का जांच के कैंप इत्थे लगातार आयोजित कर रहे हैं। जो संदेशा सानू भाई कन्हैया जी ने दिता कि ना कोई बैरी नहीं बेगाना, सगल सग हमको बनाई, उस दे सिद्धांता ते असी लगातार चल रहे हाँ। गुरसिख जद गुरु दे दसे मार्ग ते चलेगा ता ही सिखी सिद्धांत दा ओ प्रगटावा कर पाएगा। असी बिल्कुल गुरु साहब दे सिखी सिद्धांता ते चल के इस सेवा नूं लगातार जारी रखे हुए हाँ। साडा मकसद इहदे विच इह हैगा कि इह प्रचार इतना होवे कि जिथे भी गुरसिख माई भाई संसार दे अंदर दुनिया दे किसे कोने ते बैठा होया है, वह गुरु के सिद्धांता ते चल रहा है। जिहड़ी गुरु नानक साहब ने 20 रुपए तो FD कराई, उहदा लंगर संसार दे विच चल रहा है और इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। ये जिहड़े जिस तरह डिस्पेंसरी मेरठ खुली है, इस तरह संसार के कोने कोने से भी ये सेवावां चल रही ने। असी संसार के लोगों को अज मेरठ की संगत की तरफों ये बेनती करना चाहते हाँ कि इस तरह दियां सेवावां जारी रहन, ताकि असी गुरु सिद्धांता ते चल के गुरु घर की खुशियां के पात्र बन सकी। और मैं एक जानकारी से वादा करना चाहवागा कि इतिहास में थोड़ा जा सुधारन की लोड़ है। भाई धर्म सिंह जी मेरठ की पावन धरती तो होए, जिहड़े कि गुरु गोबिंद सिंह जी की आवाज़ चो तो इत्थे मेरठ तो चल के भाई धर्मदास तो धर्म सिंह जी बने। तो यह सेवा इस धर्म सिंह जी की नगरी सदर बाजार के बहुत सुचजे ढंग नाल साढ़े जथेदार हरमीत सिंह जी और तमाम इन्हों की टीम त्रिलोचन सिंह जी, सनी बख्शी जी और तमाम साथी मिल के साढ़े प्रधान साहब जी बख्शी जी इस सेवावां नूं निभा रहे ने। वाहिगुरु अपनी सेवावां इसे तरीके नाल साढ़े कोलों निमाणे जे दास बन के लैंदा रहे। सन 2000 से ही डिस्पेंसरी में 13-14 डॉक्टर थे और अब करीब 20 डॉक्टर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश गरीब का मुंह गुरु की गोलक के अनुसार इसमें अपना निष्काम सहयोग देकर जन्म सफला कर रहे हैं। साथ ही साथ 20,000 रुपये के मेंबर भी बन गए हैं।
समूह संगत के सहयोग को हासिल करने के लिए और सरबत के भले के लिए कुछ गोलकें तैयार करवाकर गुरुद्वारों, स्कूलों और प्रमुख दुकानों में रखवाई गई हैं, जिसमें संगत ने दवाइयां और धन का दान देकर मासिक सहयोग किया और कर रहे हैं। सन 2001 में सरकार की तरफ से एक टॉट सेंटर तैयार करवाया गया, जिसमें टीबी के मरीजों की जांच और इलाज मुफ्त किया जाता है। 22 अप्रैल सन 2002 में रोटरी क्लब की तरफ से पैथोलॉजी लैब का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसका उद्घाटन श्रीमान अवनीश अवस्थी जी, जो कि उस समय जिलाधिकारी के तौर पर नियुक्त से, उन्होंने किया। साथ ही माता गुजरी सिलाई केंद्र का उद्घाटन भी श्रीमान अवनीश अवस्थी जी द्वारा ही करवाया गया। इस सिलाई केंद्र में जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त सिलाई सिखाकर अपने रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। मैं राजेंद्र सिंह, मेरठ निवासी, गुरु नानक नगर तो हाँ, ते इत्थे आपां जो है गुरु हरकिशन साहब चैरिटेबल सोसाइटी वालों जो डिस्पेंसरी बड़े टाइम तो चल रही है, ये मेरठ दियाँ बहुत सारिया संगतां ते आस पास दियाँ बहुत संगतां इत्थे बहुत ज़्यादा फायदा उठा रही हैं। ये हर धर्म जाति के लोग इत्थे पहुँचते हैं, तो गुरु महाराज की कृपा नाल इतों बख्शिश लैके ठीक हो के जाते हैं, जिदे विच कोई इत्थे धर्म का जाति का किसी तरह का वितकरा नहीं किया जाता। तो जो साढ़े वीर हरमीत जी है, इनू बहुत सुचजे तरीके नाल अपनी सारी टीम के नाल इत्थे इस काम नू काफ़ी समय तो चला रहे हैं, तो गुरु महाराज कृपा करे इसी तरह होर वध चढ़ के सारिया सेवादारा नू सेवा करन दा मौका मिले, तो गुरु महाराज की बख्शिश नाल जो भी इत्थे आए वो राजी हो के जाए। डिस्पेंसरी की तरफ से ईसीजी, शुगर टेस्ट और अल्ट्रासाउंड बहुत ही कम रेटों में करवाया जाता है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को नर्सिंग होम में भर्ती करवाकर कम से कम खर्चे पर ऑपरेशन भी करवाए जाते हैं। एक्सरे तथा विभिन्न टेस्टों के लिए भी कम रुपयों में सहायता की जाती है। समय समय अनुसार खून दान कैंप भी लगाए जाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास सरबजीत सिंह कपूर, गुरु हरकिशन साहब चैरिटेबल सोसाइटी वालों पिछले 15 सालों तो एक सेवा करते आ रहे हैं। एक कॉन्सर्ट भाई कन्हैया जी के उपदेशों के नाल चल रहा हैगा। असी समाज के विभिन्न और जरूरतमंद लोगों असी सेवा कर रहे हैं, जिस तरह राशन वितरण है और फिजियोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं गया, जिसे नसा की जाँच, हड्डिया की कैल्शियम की जाँच और अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। और मेरठ के एक नारी निकेतन हैगा, जिद गरीब लड़कियों के विवाह वास्ते भी असी विशेष योगदान दिता। एक बच्चा जेल है जिदे अंदर असी बच्चों वास्ते कंबल वितरण, गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादियों के शहीदी दिवस से असी कंबल वितरण भी किए और एक टीवी दान दिता। इस तरह करके असी जरूरतमंद सेवा वास्ते हर कदम पिछले 15 सालों तो काम करते आ रहे हैं। इस सेवा से प्रेरित होकर कुछ समय पहले एक 150 गज में बना हुआ मकान श्रीमती कौशल्या देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सेवा के लिए श्री गुरु हरकिशन साहब चैरिटेबल सोसाइटी को भेंट किया गया है। इस इमारत के द्वारा डिस्पेंसरी को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। गुरुद्वारे के एक बार मैं आया तो मैं इतने बड़े धर्मार्थ कार्य होते हुए वेखे, तो मेरे बुआ जी ने कौशल्या देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाते ना एक ट्रस्ट बनाना चाह रहे सन, तो उन्होंने एक अपना वसीयत की हुई सी। उस वसीयत के हिसाब न मकान दे विच ना चैरिटेबल ट्रस्ट चलाना सी, तो मैं सरदार हरमीत सिंह जी नूं देखिया तो वह इस तरह के काम विच बड़े वो कर रहे ने, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मैं उन्होंने नाल मिल के इत्थे उन्हां दा सहयोग मंगिया, तो उत्थे अज भी चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहे हैं। इस समय संस्था की तरफ से सरदार प्रदीप सिंह सेठी मेमोरियल पैथोलॉजी लैब, सरदार गुरचरण सिंह सानी डेंटल सेंटर तथा सरदार प्रेम सिंह पसरीचा मेमोरियल फिजियोथेरेपी सेंटर आदि सेवाएं चल रही हैं। महिला क्लब स्टेट बैंक की तरफ से एम्बुलेंस भी डिस्पेंसरी को दान की गई है। इस समय रोगियों के लिए दवाइयां, जरूरतमंदों के लिए राशन, कपड़ा और शादी ब्याह के लिए यथार्थ सहायता, सिलाई कढ़ाई, पंजाबी की सिखलाई, तबला और कीर्तन सिखलाई आदि सेवाएं संगतों के सहयोग से चल रही हैं।
डेरा बाबा करम सिंह जी होती मर्दान गुरुद्वारा थापर नगर गली नंबर 5 संस्था को सेवा के लिए मिला हुआ है, जहां कि आप संतों के सहयोग से एक्यूप्रेशर सेंटर, होम्योपैथी सेंटर, मेडिटेशन के लिए आकर्षक केंद्र, लाइब्रेरी की सहूलत आदि सेवाएं चल रही हैं। मेरा नाम सरदार जोगा सिंह जथेदार, मैं अपना गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे विच नागरिक की सेवा निभा रहा। तो जिदा असं गरीब लोग हैं सारे, ये अपने सदर तो अपने गुरुद्वारे साहब तो हरमीत सिंह जथेदार साहब और सारे प्रबंध कमेटी जिदा विआह शादी विच सानू लोड़ होंदी आ ते पूरे मतलब मदद करते हैं, हर गरीब की मदद करते हैं विआह शादी विच। और साढ़े भी लड़की का विआह होया सी 9 फरवरी का, तो भी पूरी तन मन नाल साडी मदद की है। हर कौम की वास्ते विआह शादी वास्ते जां होर कोई लोड़मैन होंदियां पूरे तन मन नाल वो मदद करते हैं। सर डिस्पेंसरी बड़ी अच्छी सेवा चल रही है गरीबों लई। मेरी कुड़ी का विआह होया सी, उहदे च बड़ी सेवा की सी गुरुद्वारे वालिया ने। बाकी होर भी कोई गरीब बंदा होंदा उहदी भी बड़ी सेवा होंदी है इत्थों गुरुद्वारे तो। डिस्पेंसरी भी बड़े गरीब बंदियां दा भला होंदा है, काफ़ी दवाइयां मिलदियां ने। जिहड़े वड्डे वड्डे डाक्टरां कोल नहीं जा सकते वो इत्थे सारे वड्डे अच्छे डाक्टर बैठते हैं, सबनों सेवा का मौका मिलता है गुरुद्वारे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम बलजीत कौर है, इसी सत्संग जत्थे वालों अपने 10 गुरुओं के उपदेश के अनुसार इत्थे डिस्पेंसरी चल रही है, जिथे गरीबा जात पात नूं परे रखदे सब दी सेवा चल रही है। तो राशन पानी भी दिता जाता है। तो भाई कन्हैया जी के उपदेश नूं लैके सो आप सभी संगतों से निवेदन है कि डिस्पेंसरी और संस्था की ओर से चलाई जा रही सेवाओं में अपना अधिक से अधिक योगदान दें, ताकि और बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। जहां आप जी ने धन द्वारा सहयोग देना है, वहां पुराने और नए कपड़े, पुराने जूते जो बच्चों के आमतौर पर छोटे हो जाते हैं, अखबार की रद्दी, पुराना फर्नीचर, मेडिकल जैसे कि वॉकर, व्हील चेयर, बैसाखी, वाटर बेड, एयर टाइप बेड, सेक्शन मशीन आदि से भी सहयोग कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु हरकिंद साहिब चैरिटेबल डिस्पेंसरी चल रही है, जो गुरुद्वारा सत्संग सदर बाजार के सहयोग नाल चल रही है, उहदे गुरु महाराज के उपदेश ते भाई कन्हैया जी दे रेड क्रॉस प्रोग्राम नूं मुख रखदिया होया डिस्पेंसरी नूं वध तों वध अगे ले जाण दी साडी कोशिश है। इस विच साध संगत दा सहयोग बहुत जरूरी है। गुरुद्वारा साहिब जी के साथ की बिल्डिंग सेवा भवन की उसारी 2006 में की गई। इस बिल्डिंग में गरीबों तथा लोड़वंदों के लिए लंगर हॉल माता खीवी जी तथा भाई मर्दाना जी संगीत अकेडमी की शुरुआत की गई। मैं गुरुद्वारा सत्संग दे विच इस सत्संग दे नाल मेंबर भी हाँ। बाकी दूसरी है कि मैं 1906 तो मैं दवाई लै रही हूँ, डिस्पेंसरी तो दवाई लै रही हूँ। मैंने दवाई का बिल्कुल आराम है, ठीक चल रही है और दे भी मैंने बहुत अच्छी तरह रहे। बड़ी मतलब आन आव भगत करके कोई ऐसे दिन कि जो मैं कोई करते हो, बहुत दवाई मुझे अच्छी तरह मिल रही है और मैं हो भी बिल्कुल ठीक रही हूँ। मैं हरभजन सिंह भंडारी, एक रिटायर्ड RDS ऑफिसर हाँ। मैं 2006 रिटायर होया, उस तो बाद मैं इस संस्था के नाल जुड़िया हुआ। मैं इतने इन्हों का अकाउंट्स वगैरह सारा मेनटेन करता हाँ। एक पाई पाई का इतने हिसाब रखा जाता है, मेरे ऑडिट करने तो बाद इतने CA चेक कराया जाता है, पूरा अकाउंट पूरे साल का जी असी सेवा लेंदे हैं लोगों को, वो सारिया इतने अकाउंट फॉर होंदिया ने। मैं बहुत खुशी कि मैं इस संस्था के नाल जुड़े हुए और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। श्री हरकृष्ण साहब चैरिटेबल ट्रस्ट की कृपा नाल, वाहेगुरु जी की कृपा नाल इत्थे लोगों नूं भाई कन्हैया जी दे दित्ते हुए उपदेश के हिसाब नाल काफ़ी संगत इत्थे आ करके लाभ उठा रही है और हर तरीके के डॉक्टर इत्थे क्वालिफाइड डॉक्टर इत्थे पब्लिक नूं जो लोग बीमार हैं उन्हों का इलाज बिल्कुल रीजनेबल रेट्स के उत्ते होंदा है। और वाहेगुरु कृपा करे, चढ़दी कला रहे और सारी दुनिया में इहदा जिहड़ा नाम रहे भाई कन्हैया जी दी। यह बहुत पुरानी जिहड़ी ये संस्था है और उन्होंने नाम नूं वाहेगुरु चढ़दी कला रखे। मैं स्त्री सत्संग दी मैंबर हाँ और मैं सब नूं यह कहना चाहनी हाँ, जिहड़ी साडी डिस्पेंसरी चल रही है इस दे विच एक तो एक डॉक्टर
ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੇਲ ਮੇਂ ਕੰਬਲ ਔਰ ਟੀਵੀ ਵਿਤਰਣ ਕੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਮੇਰਠ ਮੇਂ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਕੋ 11,000 ਕਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਬਾੜ ਪੀੜਿਤੋਂ ਕੇ ਲੀਏ 11,000 ਕਾ ਚੈੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਮਿਨੀ ਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੋ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਬ ਸੇ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਵੇੱਛਾ ਸੇ ਇੱਛਾ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸੇਵਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸਸੇ ਮਨ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਓ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਬੜੀਆ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਯਹਾਂ ਦਿਖਾਨੇ, ਉਨਕੋ ਯਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਨਕੀ ਮਦਦ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਬਸਤੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਨਕੋ ਦਵਾਏ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਜਾਂਚੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਵੋ ਕਹੀਂ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਮੇਂ ਉਚਿਤ ਦਾਮ ਪੇ ਕੁਛ ਕਾਮ ਤੋ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਕੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਸਬਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰਠ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ HC ਵਰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਗਾਓਂ ਕਸਬੇ ਮੇਂ ਕਰੀ ਥੀ ਕਿਠੌੜ ਮੇਂ, 15 June 2009 ਸੇ ਯਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ 91 ਈਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਜੀਊਂ ਜਬ ਤੱਕ ਯਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਪਰਨੀਤ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਮੇਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਯੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਬਤਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਪੇ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਮੇਂ ਇਸੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਗਰੀਬੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਓਂ ਸੇ ਡਾਕਟਰੋਂ ਕਾ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਕਾ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵਹ ਔਰ ਬੜੇ ਔਰ ਗਰੀਬੋਂ ਕਾ ਮੁਫਤ ਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ੋਂ ਪੇ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਨ ਪੇ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਹਮੇਂ ਮੁਫਤ ਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਪੂਰਨ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹੂੰ ਔਰ ਯਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਰ DTV ਕਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਕਿ ਆਪਕੇ ਨੋਰਮਲੀ
और प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है। जैसे कि देखा जा रहा है हमारे यहाँ पर 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं और इसमें सभी सिस्टम फिक्स रहते हैं और स्टूडेंट भी हमारे पूरे के पूरे फिक्स हैं। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लासेस चलती हैं और पूरी की पूरी क्लासेस हमारी फुल रहती हैं। इसमें बच्चों को DTP बेसिक नॉलेज, आपके फोटोशॉप हो गया, कोरल हो गया और आपके पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं और साथ में नेट भी करवाया जाता है जो कम से कम पैसों पे करवाया जाता है जिससे कि बच्चों को कोई भार भी ना पड़े और यहाँ का नो प्रॉफिट नो लॉस रहे। सो आप इन चल रही सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए तन मन धन से सहयोग देकर संस्था की प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। जहां आप इन सेवाओं में अपना हिस्सा देकर जरूरतमंदों की सहायता में इजाफा करेंगे, वहीं साथ ही साथ आपकी मानसिक शांति, संतुष्टि और सहज अवस्था को भी प्राप्त करोगे, जिसके द्वारा हमारा यह लोक सुखी और परलोक सुहेला होएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 85 साल पहले श्री हर कृष्ण चैरिटेबल सोसाइटी मेरठ विच बनाई सी। तद 40 या 50 बंदे इतने इलाज वास्ते आते सी। आज इस चैरिटेबल विच 300 बंदा आ रहा है और 2 ब्रांचिज भी इतने मतलब चल रही हैं साड़ी, एक वेस्टर्न रोड से और एक थापर नगर गुरुद्वारे कोल चल रही है। जड़ा बंदा आंदा है इतने वो सोच के आंदा है कि इतने इलाज सही मिलता है और जितने भी जो लोग आते हैं वो सब ठीक होके जाते हैं। इस सोसाइटी वास्ते लगभग कुछ मेंबर बनाए न सी, कोई 100 रुपया देता, कोई 500 रुपया देता, कोई 1000 रुपये देता है। और एक मेरे दोस्त न मैन काइंड वाले वो काफ़ी दवाइयाँ देते हैं और एक सेठी जी इतने एक्स प्राइम मिनिस्टर दे लड़के ते वो भी काफ़ी दवाई देते हैं। उन्हां दी वजह नाल ये चैरिटेबल बहुत अच्छी चल रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम वरणदीप सिंह बख्शी, चैरिटेबल डिस्पेंसरी। हम इतने ज़्यादा लेवल पे इसे ले जाना चाहते हैं कि जैसे भाई कन्हैया जी ने रेड क्रॉस के नाम से इसे शुरुआत दी थी, उसी तरीके से हम इसे बहुत ऊपर लेवल तक ले जाना चाहते हैं। यही हमारी प्रार्थना है सबसे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसमें सहयोग करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। संस्था का कुल खर्चा 13 से 14 लाख महीना है। हमारी संस्था ATG द्वारा प्रमाणित है, जिसके तहत आप जी को इनकम टैक्स में छूट प्राप्त हो सकती है। अतः आप जी दिए हुए बैंक अकाउंट नंबर में सीधी माया भेजकर भी गुरु की खुशियां प्राप्त कर सकते हो। आस है आप जी बढ़ चढ़कर संस्था को सहयोग देकर गुरु की खुशियां प्राप्त करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।